अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद इकबाल अपने चैनल वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। मगरबी मुल्क ने इजाज़त दे दी PIA डायरेक्ट परवाज़ें चलाने के लिए तैयार। दोस्तों, PIA को कुछ ऐसे मगरबी ममालिक ने इजाज़त दे दी है कि वो डायरेक्ट परवाज़ें चलाने जा रही है। मुकम्मल वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने लावादीगर दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तफसीलात के मुताबिक एक बड़े मगरबी मुल्क ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA को परवाज़ें बहाल करने की दोस्तों इजाज़त दे दी है। PIA ने डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का भी ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कैनेडा PIA के टोरंटो के लिए परवाज़ें बहाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल कोरोना सूरत हाल की वजह से PIA सिर्फ कार को परवाज़ें चला रही थी। कैनेडा की तरफ से इजाज़त मिलने पर PIA टोरंटो के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाने के लिए तैयारी कर ली गई। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाई जाएंगे। तर्जमान PIA ने एक बयान में कहा है कि 22 जून से PIA बराह रास्त मुसाफरों को कैनेडा ले जा सकेगी। और उन्होंने कहा कि कैनेडियन हुकाम ने PIA की वाज़ह करदा SOPs इत्मीनान का भी इज़हार किया। कौमी एयरलाइंस अपने तमाम फ़ैज़ाई अमले को वैक्सीन लगा चुकी है और अब ग्राउंड स्टाफ को भी तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही है। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA पहले मरहले में कैनेडा के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ एतवार से शुरू करेगा। कैनेडा के लिए परवाज़ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रवाना होगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए महमूदिया ट्रैवल टूर का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक इतना ही, दुआ में याद रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।